विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लिहाजा जेजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नूह में जेजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगे की रणनीतियों पर तैयारी की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि तुम कभी हाथ मत छोड़ना, संघर्ष करना हमें आता है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने अगले 100 दिनों का रोडमैप तैयार कर लिया है। जेजेपी कार्यकर्ता प्रदेश के हर घर तक पार्टी का प्रचार करेंगे और नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। हमने अपनी पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग की है और खुल करके सारी बातें आपके समक्ष स्पष्ट की है। कोई कुलड़ी में गुड़ तो फोड़ा नहीं। आज जननायक जनता पार्टी का 17वां जिला कार्यकर्ताओं की बैठक, मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा की पृष्ठभूमि में चर्चा हुई है और मजबूती के साथ कैसे आगे मैदान को सींचना है 100 दिन के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। और मैं मानता हूँ मेवात की जनता मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। जैसे पार्टी ने इतिहास में मेवात का हर परिस्थिति में साथ दिया है, चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मजबूत किया है, आने वाले भविष्य में भी इसी प्रकार से कार्यकर्ता मेहनत करें। बहरहाल आने वाले कुछ ही महीनों में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी दल अपने अपने स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में प्रदेश की कमान जनता किसे सौंपती है। सूर्या समाचार के लिए नूह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट।